तो जैसा कि आप सबने अभी तक देखा कि शिनचैन और मैं लॉस सैंटोस छोड़ के चले गए थे क्योंकि हमारे वहां पे रहने के पैसे नहीं थे। तो शिनचैन चला गया था हमेशा हमेशा के लिए जापान और मैं चला गया था अपने मामा के घर पे। वहां पे जाके मैंने गैस स्टेशन में काम शुरू कर दिया था। वहां पे मुझे लोगों की गाड़ी में पेट्रोल भरना था और भी मैं बहुत सारी चीजें बेचने लग गया था। और जैसे कि आपने सबने देखा था कि भाई यार मैंने वहां पे एक पार्किंग एरिया बना दिया था और मैं अपने पूरे के पूरे गैस स्टेशन में पूरी सफाइयां कर दी थी और कलर का काम भी शुरू कर दिया था, पर वो पूरा नहीं हो पाया था। तो आज हम करेंगे अपने कलर का काम और भी बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग, आप सबका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार अभी मैं उठ चुका हूँ यार, अभी मैं जा रहा हूँ अपने गैस स्टेशन पे क्योंकि यार मेरा गैस स्टेशन मैंने कल रात को बंद कर दिया था और अभी मैं उठ चुका हूँ। तो यार पहले अपना जाके पहले गैस स्टेशन खोलेंगे क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे काम है। मुझे पहले तो अपना पूरा का पूरा गैस स्टेशन में कलर कंप्लीट करना है और भी यार मुझे बहुत सारी चीजें करनी है ताकि यार बहुत सारे कस्टमर्स मेरे गैस स्टेशन में आ सके और यार मैं वापस यार लॉस सैंटोस जा पाऊँ ताकि मैं शिनचैन से मिल पाऊँ। उसको लाने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने आधा अधूरा पूरा का पूरा कलर कर दिया था। यहाँ पे थोड़ा कलर है, वहां पे थोड़ा कलर नहीं है। तो यार आज हम पूरा करने वाले इंटीरियर तो मैंने लगभग सारा कलर कर ही दिया था और यहाँ पे यार बहुत सारी जगह यार खाली है तो मुझे यार वहां पे बहुत सारी शेल्फ्स रखनी है जिसमें यार मैं सामान रख के यार बेच सकूं। तो यार पहले तो अपन चलते हैं अपना गैस स्टेशन ओपन करते हैं, फिर बाकी की सारी बातें करेंगे। तो अभी तक यार आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब किया तो फटाफट से कर दो। और ये हमने गैस स्टेशन अपना कर दिया है ओपन। तो यार अपना वापस से क्लोज से हो चुका है वापस अपना गैस स्टेशन ओपन। हमारे गैस स्टेशन का नाम है डस्ट बाउल। तो यार अपन चलते हैं अंदर और सारा का सारा अपना काम शुरू करते हैं। पहले तो थोड़ी सफाई चालू कर देते क्योंकि अभी हमारे कस्टमर्स आते होंगे तो उनको बिल्कुल एकदम सफाई लगनी चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी सफाई कर देते। वैसे तो मैं कल रात को सारी सही सफाई करके सोया था पर थोड़ी थोड़ी और कर देते। और गाइस हमारे जो वॉशरूम है इसमें जाने के ना उनको देने पड़ते हैं $1, जो भी इसको यूज करेगा उसको देने पड़ेंगे $1। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज है यार। तो यार अभी यार मैंने इसको थोड़ा थोड़ा साफ तो कर दिया, अब आ रही है हमारे गैस स्टेशन की बाहर से कलर होने की। तो यार मैं भी यार समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा कलर करूं। कभी मैंने यहाँ पे कहीं पे व्हाइट कर रखा है, कभी ऑरेंज कर रखा है, तो मुझे अभी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा कलर करूं। तो मैं सोच रहा हूँ अभी तो एक बार पूरा व्हाइट ही कर देते हैं या तो बिल्कुल रंग बिरंगा कर देते हैं। यार मेरे हिसाब से यार रंग बिरंगा सही रहेगा। बाकी यार आपको क्या लगता है मैं कौन सा कलर करूं फटाफट जाके कमेंट में बताओ ताकि यार मैं वो वाला कलर कर सकूं। अभी तो मैं रंग बिरंगे करने वाला हूं, सारा का सारा अपना गैस स्टेशन को रंग बिरंगा कर देंगे। मैं कोई सा भी कलर कहीं पे भी करने वाला हूं यार ताकि एकदम मस्त लगे। और बाकी तो मैं आपके कमेंट्स देख के यार जो आप कलर बोलोगे मैं वही कलर कर दूंगा। तो अभी मैंने यहां पे व्हाइट कर दिया तो अपना कलर यहां पे चेंज करते हैं और यहां पे करते हैं अपन क्रीम कलर। यार आप जो भी कमेंट में जाके कलर बोलोगे मैं वो वाला कलर कर दूंगा अपने गैस स्टेशन का। अगर आप बोलोगे एक ही कलर करो तो एक ही कर दूंगा, अगर रंग बिरंगा बोलोगे तो रंग बिरंगा कर दूंगा। और अभी आप देख सकते हो रात बस डल रही है, अभी सुबह होने ही वाली है और हमारे लगता है कस्टमर्स भी आ चुके। तो फटाफट इस वाली वॉल को पेंट करते हैं और अपने कस्टमर को पहले पेट्रोल भर के देते हैं। अरे भाई साहब हमारे पहले कस्टमर आज के बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, तो इनको फटाफट से पेट्रोल भरा देते हैं। कितना पेट्रोल भरना है इनको, भरना है 18.60 लीटर, तो फटाफट से इनको भर देते हैं। तो ये इनका पेट्रोल हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट, थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। और गाइस आज मुझे इनसे रेटिंग्स भी लेनी है ताकि यार ये हर जगह यार बात फैला देगी यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया गैस स्टेशन है। मुझे सबका ढंग से बिल्कुल काम करना है, मुझे कोई गलती नहीं करनी ताकि जब ये लोग यार अपने दोस्तों से मिलेंगे तो यार उनको अपने गैस स्टेशन के बारे में बताएंगे कि भाई यहाँ पे जाओ यही अच्छा है। तो यार ये मस्त अपनी पब्लिसिटी होने वाली है। तो अभी यहाँ पे अपन थोड़ा कलर कर देते मस्त। और एक पुलिस वाला यार अंदर गया है थोड़ा सामान वामान खरीदने, जब वो सामान खरीदेगा तो अपन जाके उसको भी सामान सारा दे देंगे। तो इसको भी अपन फटाफट से कलर कर देते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज कर दिया, व्हाइट कर दिया, ग्रीन कर दिया, कौन सा करूं, चलो अब लाइट ऑरेंज कर देते हैं। बिल्कुल यार अलग अलग करेंगे बहुत ही बढ़िया लगेगा जो कि। तो अभी मैंने उस वाली वॉल पे कलर कंप्लीट कर दिया। अभी इस कस्टमर को जो जो चीजें चाहिए इसको दे देते फटाफट से। ये वाली इसकी चिप्स हो गई, ये एक और चिप्स हो गई, यहाँ पे इसकी एक चॉकलेट हो गई और यहाँ पे एक और चिप्स, एक और चॉकलेट। अरे भाई कितनी चॉकलेट खाएगा, कितनी चिप्स खाएगा, एक और चिप्स। और इसको सारा का सारा मैंने दिया, थैंक यू सर रेटिंग देने के लिए। और भी अपने दोस्तों वोस्तों को बताओ इधर भेजो। और कैसे आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे शेल्फ्स भी ली थी, इधर इसमें हम अपना सामान रखते सारा का सारा जितना भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और भी यार मुझे बहुत सारी शेल्फ्स चाहिए ताकि यार हमारे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आ सके। और अपन शुरू करते हैं अपना वापस कलर का काम। तो यार मैंने लगभग यार नीचे का सारा कलर कर दिया है, बस ये थोड़ी थोड़ी डंडियां बीच में रह गई है और बस यार ऊपर का भी कलर करना है बाकी है। पहले ये कस्टमर आ चुके हैं, फटाफट से इसको पहले पेट्रोल दे देते हैं। इसका 14 लीटर पेट्रोल भरना है तो इसको फटाफट से भरते हैं, थैंक यू सर यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे अपन वापस से कलर करना शुरू कर देते हैं। ये दो तीन यार बस ये डंडियां हैं बीच बीच की, बस बाकी यही बाकी है, बाकी तो सब मैंने कलर कर दिया है। और बस इसको फटाफट से इसको भी करते हैं अपन कंप्लीट। और मैंने ये भी कंप्लीट कर दिया तो हमारा सारा का सारा नीचे का कलर तो हो चुका है यार। यहाँ पे थोड़ी सफाई वफाई कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ी गंदगी हो चुकी है, इसको फटाफट से सफाई करते हैं।
जाते थे। और यहाँ पे दीदी आ चुकी है, हमारी कस्टमर आ चुकी है, इसको फटाफट से जो भी इसको चाहिए इसको दे देते हैं, बिस्किट, चिप्स और एक और बिस्किट। तो ये लीजिए, आपका हो चुका है बिल्कुल, थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। और अब टाइम आ चुका है हमें यार बहुत सारी चीजें खरीदनी अपने गैस स्टेशन के लिए। तो यार हमारे पास एक लोन का ऑप्शन भी है, हमारे $1,000 का लोन ले सकते हैं। अभी मुझे कोई जरूरत तो नहीं वैसे लोन की। और यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन का भी आइटम है जिससे हमें डेकोरेट कर सकते हैं अपने गैस स्टेशन को, वो भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो अभी सिर्फ शेल्फ, अभी मेरे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स की तो है, और यार मेरे पास यार स्नैक्स की भी है। तो अभी मुझे चाहिए एक एल्कोहल की और ये सिगरेट्स वाली स्टैंड चाहिए जिसमें यार मैं रख सकूंगा सिगरेट। और यहाँ पे एक आइसक्रीम वाली भी है, पर यार आइसक्रीम वाली बहुत ज्यादा महंगी है तो मैं उसे अभी वो नहीं लेने वाला। तो अभी मैंने ये दो तो ले लिए, आइसक्रीम वाली कभी बाद में लेंगे। तो यार इन दोनों शेल्फ्स को और यहाँ पे फटाफट से लगा देते हैं, ये दोनों अपनी शेल्फ्स आ चुकी है, इसको फटाफट से बिल्कुल ढंग से लगाएंगे। पहले तो इस वाले एरिया में लगाते हैं, पहले हम ये वाला एरिया पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा भरेंगे, फिर दूसरे वाले एरिया पे चलेंगे, वहां पे बहुत सारी शेल्फ्स लगाएंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद सके। पर यहाँ पे इसको बिल्कुल ढंग से लगा देते, इसको कर देते यहाँ पे प्लेस। और ये हो चुकी है हमारे एल्कोहल वाली प्लेस, और यहाँ पे हमारे कस्टमर आ चुका है। तो पहले इसको सारा सामान दे देते हैं, फिर हम लगाएंगे अपने सिगरेट्स वाली स्टैंड वाली, तो इसको फटाफट इसको सारा सामान देते हैं। तो यार अभी मैंने कुछ सोचा यार, यहाँ पे गैराज है तो यार मैं उसको रिस्टोर कर सकता हूँ, मैं उसको अपने नाम कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ एक लोन देके मैं उसको अपने नाम ही कर लूँ, क्योंकि यार वो है $300 का और मैं यार $300 अपने खर्च नहीं करना चाहता। तो यार मुझे अभी देना है $1,100, क्योंकि मैंने $1,000 का लोन लिया, क्योंकि मैंने उनसे लोन लिया तो मुझे $100 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यार पहले तो मैं थोड़ी फ्यूल सप्लाई मंगवा लेता हूँ, क्योंकि मैं फ्यूल भी यार बहुत ज्यादा कम है। तो यार अभी मैं रिस्टोर करने वाला हूँ हमारे वर्कशॉप को, तो यार फटाफट से इसको रिस्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे यार बहुत सारे व्हीकल्स आने वाले हैं, उनको हम करेंगे रिपेयर, और जिनका भी इतना प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा हमारा। पर यहाँ पे हमारा गैराज हो चुका है अनलॉक। तो यार अभी यार हमारे एल्कोहल और सिगरेट्स वाले स्टैंड के लिए थोड़ी यार चीजें मंगवा लेते, क्योंकि मैंने वो दोनों यार स्टैंड तो लगा दिए, पर मेरे पास सामान नहीं उनमें रखने के लिए। तो यार अपन सबसे महंगी महंगी वाली खरीदने वाले, ताकि यार जो भी लोग खरीदे तो यार हमको महंगा महंगा प्रॉफिट भी होता है। इन दोनों को ले लेते हैं, और ये वाली चलो यार बाकी सिगरेट्स ले लेते हैं जो भी है, और यहाँ से इसको भी ले लेते हैं। और कौन सी ले यार, मैं थोड़ा महंगी और ज्यादा से महंगी नहीं है, चलो इसको ही ले लेते हैं, इनको फटाफट से मार देते हैं ऑर्डर। तो मैंने इनको भी ऑर्डर कर दिया, थोड़ा टाइम में आ जाएगी, और यहाँ पे कस्टमर भी आ चुका है। तो इसको फटाफट से इसका सारा का सारा सामान दे देते हैं। यहाँ पे एक पहली चॉकलेट, दूसरी चॉकलेट। अरे अंकल भाई कितने बुढ़ावे हो गए, अभी इतनी चॉकलेट खाते हो क्या? अरे बेटा मैं कल चॉकलेट पसंद है। तो यहाँ पे अपना यार पेट्रोल भी आ चुका है, तो फटाफट से इसको अपनी टंकी के अंदर डाल देते, और अपना वेट करते हैं अपने यार एल्कोहल और सिगरेट्स की डिलीवरी के लिए। A few moments later. और जो हमारे सामान की ट्रक है वो आ चुका है, और यहाँ पे हमारे गैराज पे आ चुका है हमारा पहला कस्टमर। भाई साहब आ हमारे पहले कस्टमर यार इस गैराज के, तो भी आपको बताओ यार फटाफट से क्या रिपेयर करना है, मैं आपको दूंगा बिल्कुल जीरो डिस्काउंट, क्योंकि मैं क्यों डिस्काउंट दूं भाई, क्यों तुम्हें। तो देखते हैं इसके फटाफट क्या दिक्कत है। एक तो उसका स्क्रैच और इसका मिरर टूटा हुआ, तो पहले तो उसका मिरर लगा देते, क्योंकि बहुत ज्यादा ईजी है मिरर लगाना, तो बहुत ही बच्चों का खेल एकदम। तो यहाँ पे अपना इसका मिरर लगा देते हैं, जो टूटा हुआ है इसको पहले हटा देते हैं, इसका यहाँ पे नया नया मिरर यहाँ पे लगा देते, तो ये हो चुका है बिल्कुल सेट। अब यार इसका जो इसकी स्क्रैच है ना, इसको पहले रिमूव कर देते हैं अपने स्क्रैच रिमूवर से। तो इसको लेते हैं यहाँ पे, इसके यार बहुत सारे स्क्रैच आ रहा है इसकी गाड़ी पे, तो इसको फटाफट से रिमूव करते हैं, इससे यार मस्त यार स्क्रैच हमारे रिमूव हो जाते हैं। तो देख सकते हो अब यार बिल्कुल रिमूव हो चुके इसके सारे सारे स्क्रैच। तो यार इसके मैंने ये स्क्रैच तो रिमूव कर दी, अब आ रही है इनके टायर की, इसका एक टायर भी टूटा फूटा है, तो उसका नया नया टायर लगाएंगे एकदम बढ़िया वाला। इसको यार फटाफट से यहाँ पे लगाते हैं, पहले तो उसके सारे नट हटाते हैं यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5 इसको मैंने हटा दिया है, इसको यहाँ से हटा दिया इस वाले टायर को, और यार नया नया टायर यहाँ पे लगाते हैं, और इसको भी यार इसको नट लगा देते हैं इसके ऊपर, ये लगा दिया मैंने 5 के 5 नट, और यहाँ पे हो चुका है बिल्कुल सक्सेसफुल, और हमें मिल चुके हैं $290। तो यार अभी हमारे यहाँ पे डिलीवरी भी आ चुकी है, तो फटाफट से अपनी डिलीवरी की सारी चीजें अपने उतार लेते हैं वेयर हाउस में। तो अभी मैंने वेयर हाउस को बंद कर दिया, अपनी सारी सारी चीजें यार मैंने रख लिया अपने वेयर हाउस के अंदर, और हम स्टॉक करने वाले अपने सारी सारी एल्कोहल और सारी सारी सिगरेट्स। तो फटाफट जाके पहले अपने स्टॉक में डाल देते हैं, और यहाँ पे यार बहुत सारे कस्टमर आ गए, तो पहले इनको सारा का सारा इनका सामान फ्री करते हैं। थैंक यू सर वेट करने के लिए, बस 2 मिनट में आपको सामान देता हूँ। तो अभी मैंने सारे सारे कस्टमर्स को फ्री कर दिया है, वहाँ पे अपने जो ड्रिंक वाले स्टैंड थे उसमें मैंने सारी सारी ये जो एल्कोहल थी वो डाल दी है, और यार अपने गैराज के थोड़ी चीजें चाहिए थी वो भी मैंने मंगवा दी। तो इसी वाली गाड़ी अभी आ चुकी है रिपेयर के, देखते हैं इसमें क्या खराबी, इसको फटाफट से रिपेयर करते हैं, और इसकी क्या खराबी देख रहे थे। इसके तो सिर्फ 2 कांच टूटे हुए, अरे भाई 2 कांच ही ले सिर्फ आए, चल भाई थैंक यू फिर भी आने के लिए। तो इसके दोनों कांच लगा देते, सिर्फ इसके 2 ही कांच टूटे हुए, तो इसको फटाफट से लगा देते हैं। तो मैंने उसको गाड़ी तो है पूरी रिपेयर कर दी, और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसका लोन भर ही दिया जाए, थोड़ा सा लोन इसका भर देते हैं। अभी हमको $1,000 देना बाकी है, अब 900, अब 800 और अब 700। तो यार मेरे को अभी $700 देना बाकी है, और अभी तो यार 13 घंटे बाकी है, तो मैं उसको आराम से यार दे ही दूंगा। तो अभी अपन का जो एक और डिलीवरी आ चुकी है, तो फटाफट से इसको भी अपने वेयर हाउस से निकालते हैं।
तो यार अभी यार मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को फ्री कर दिया, गैराज में अपने कस्टमर थे और अपने यार शॉप के अंदर भी कस्टमर थे, और यहाँ पे पेट्रोल वाले कस्टमर को कर दिया मैंने वापस से फ्री। और यार मैं तो बोल ही गया था बिल्कुल यार कि मुझे यार गैस स्टेशन को यार पूरा कलर करना था और मैं बाकी सारे कामों में लग गया। तो यार अभी वापस से अपना शुरू करते हैं गैस स्टेशन को कलर करना, बिना किसी देरी के अपने पहले छत को कंप्लीट कर देते हैं और बाकी तो सब कंप्लीट हो ही चुका है। तो यार आप मुझे फटाफट से कमेंट में जरूर बताना कि मैं कौन सा कलर करूं अपने पूरे के पूरे गैस स्टेशन में। तो यार उसके बाद मैंने अपने गैस स्टेशन में पूरा का पूरा कलर किया, बहुत सारे कस्टमर्स आते गए, थोड़ी यार वेयर हाउस में डिलीवरी भाई, फ्यूल की डिलीवरी भाई, मैंने गैराज के सारे सारे कस्टमर्स को फ्री किया, फिर यार फ्यूल के कस्टमर्स को फ्री किया, फिर यार गैस रजिस्टर में भी कस्टमर्स थे उनको भी फ्री किया, और बहुत सारा कचरा भी होता था मैं उनको साथ साथ में सफाई करता रहा था। पर ऐसे हमारा दिन यार बिल्कुल ढंग से निकल नहीं पा रहा था कि एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। लीजिए सर, मैंने आपका भी यार सारा का सारा सामान यहाँ पे डाल दिया है। अबे चूहे कहाँ छुप के बैठा है? अरे भाई ये कौन है? अभी कौन बुला रहा है? ए चूहे बाहर निकल, मेरे पैसे दे। अरे भाई ये कौन है? अरे मैं लोन देना तो बोली क्या? अरे चूहे साले मेरे पैसे कौन देगा, ये ले ये ले। अरे 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 भाई मार दिया। अरे अरे भाई अबे ये क्या हुआ भाई, कितना मारा मेरे को, अबे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे ये क्या चल रहा है। अरे भाई मैं लोन देना तो बिल्कुल ही भूल गया था। अबे भाई वो चला तो गया ना, अच्छा है चला गया, वरना मैं उसको इतना मारता कि भाई उसने बहुत मारा भाई, सही में बहुत ज्यादा मारा भाई। अगली बार जब भी लोन लूंगा भाई मुझे बिल्कुल ढंग से याद रखना पड़ेगा। मेरे पास यार